सो वन पीस के चैप्टर 1043 के आने के बाद काफी सारे थ्योरीज बन रहे हैं, जिसके चलते फैंडम दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। जिसमें से जो पहला ग्रुप है उनका ये मानना है कि कोई भी नया डेविल फ्रूट नहीं आया है, क्योंकि अब जाकर कोई भी नया डेविल फ्रूट लाना कोई सेंस नहीं बनाता, और अवेकनिंग भी नहीं हुई है क्योंकि अवेकनिंग में हमने देखा है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है और यहाँ तो अपना लूफी ही पिघल रहा है। और दूसरी तरफ लोगों का ठीक उसका उल्टा मानना है, यानी कि यह एक नया डेविल फ्रूट भी है और यह अवेकन भी हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस साइड में हूँ, मगर क्यों? सो हे व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है मार्क वीन्स फ्रॉम टोक्यो जापान, और आज हम लोग बात कर रहे हैं लूफी के नए पावर्स और नए डेविल फ्रूट के बारे में। ब्रैकेट, ये बस एक थ्योरी है, ब्रैकेट क्लोज। सो अपना थम्स अप ले आओ और चलो ये वीडियो देखते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज ग्रेट। तो हाल ही में ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, और इस थ्योरी को समझने के लिए इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला, गोमू गोमू नो मी, क्यों लूफी का डेविल फ्रूट नहीं हो सकता। दूसरा, लूफी का एक्चुअल डेविल फ्रूट तब क्या है। और तीसरा, क्या सबूत है कि यह डेविल फ्रूट लूफी का डेविल फ्रूट है। सो तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में यह कहा था कि सैंक्स जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करने गया है वो और कोई नहीं बल्कि लूफी है, और वहाँ पे सैंक्स ने कुछ ऐसा कहा होगा कि सालों पहले मैंने जिस मरीन शिप से जो डेविल फ्रूट चुराया था, मैं उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। और यह चीज़ आगे जाकर थोड़ा मिलता है जब फाइव एल्डर्स एक स्पेसिफिक लेजेंडरी डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे लोग कुछ ऐसा कह रहे होते हैं कि यह इम्पॉसिबल है कि वह डेविल फ्रूट अब एग्जिस्ट करता होगा, वह बस एक लेजेंड है और उसको सालों से वह डेविल फ्रूट अवेकन नहीं हुआ है। तो यह चीज़ तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे समझाओगे? क्या तुम उस डेविल फ्रूट को एक स्पेसिफिक नेम दोगे? वेल, मैं रिपीट करता हूँ, गिविंग अ स्पेसिफिक डेविल फ्रूट अ यूनिक नेम। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। चैप्टर 1037 में यह चीज़ रिवील किया जाता है कि वे लोग एक सर्टन डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे कि उसका नाम बदलकर उसको हिस्ट्री से हटा देना। और मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि वे लोग लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या तुम्हें याद है चैप्टर 784 में लूफी और डोफ्लामिंगो के फाइट के दौरान, जब डोफ्लामिंगो लूफी को हिट करता है तब वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा चौक जाता है, क्योंकि उस वक्त जब वो उसको हिट करता है तब उसका बॉडी समहाउ सॉफ्ट रहता है आर्मामेंट हाकी से कोट होने के बावजूद भी। और चैप्टर 1042 में जब काइडो भी लूफी से लड़ रहा होता है तब भी कुछ ऐसा ही सेम चीज होता है, और काइडो कहता है कि रबर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सो इन सब चीजों को देखकर हम लोग ये आराम से एज्यूम कर सकते हैं कि लूफी के डेविल फ्रूट में कुछ तो स्पेशल है। सो लूफी का डेविल फ्रूट एक्चुअली में रबर नहीं बल्कि ऑयल है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा एक बकवास यूट्यूबर कह रहा था, उससे अच्छा तो भाई हमारे प्रतीक भाई गेस कर लेते हैं। बट एनीवे, जो पॉसिबल एलिमेंट हो सकता है जो कि लूफी के डेविल फ्रूट से सिमिलर है वो है रेजिन। रेजिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट से बनता है, एंड द फैक्ट इज कि इससे रबर भी बनता है। और रेजिन की प्रॉपर्टीज लूफी के डेविल फ्रूट पावर से काफी सिमिलर है, जैसे कि रेजिन तुम्हारा काफी स्ट्रेची होता है, जस्ट लाइक लूफीज बेस फॉर्म लूफी की तरह या फिर एक रबर की तरह। और रेजिन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है जब उसको हीट किया जाता है, और उसमें से थोड़ा स्मोक भी निकलने लगता है, लूफीज सेकेंड गियर। और रेजिन जल भी सकता है जब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हीट डाली जाती है, लूफी के रेड अटैक्स लाइक रेड हॉक और रेड रॉक। रेजिन को एक इंसुलेटर की तरह भी यूज़ किया जाता है, और ये एक्सप्लेन करता है लूफी और एनेरू की फाइट को। एंड रेजिन कैन ऑल्सो बी हार्डन लूफीज गियर 4। अब मैं इतना श्योर कैसे हूँ कि इस डेविल फ्रूट को रेजिन ही कहते हैं? वेल, तुम लोगों को तो पता ही है कि ओडा सेंसे चैप्टर के नाम में या फिर चैप्टर के नंबर में कुछ ऐसे हिंट्स छोड़ते हैं जो कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, और यार इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। सो रेजिन को जापानीज में जूसी कहते हैं, और चैप्टर 1043 को देखो, जिसमें से जो 10 है उसको कहते हैं जू, और जो 4 है उसको कहते हैं सी, और जो 3 है उसको कहते हैं मी। सो यप, ऑब्वियसली इसका मतलब हुआ जूसी मी, और जस्ट लाइक गोमू गोमू नो मी, इट इज जूसी जूसी नो मी। वैसे तो मैं इतने में ही कन्विंस्ड हो गया था, पर आगे इस थ्योरी में और भी कुछ है
जो कि यार भयंकर भयंकर हिंट्स देते हैं इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि चैप्टर 1039 में जो कलर स्प्रेड है, जहाँ पे तुम देख सकते हो कि लूफी एक ट्री को सैप कर रहा है और उसमें से कुछ ग्लू टाइप चीज़ निकल रहा है जो कि दिखने में जूसी जैसा है। और एक इंटरव्यू में ओडा सेंसे ने अपने 3 फेवरेट सीन्स बताए हैं स्टोरी से रिलेटेड, जो कि एक्चुअली में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं वन पीस के लिए। जो पहला सीन है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ वानो। ओडा सेंसेई ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि वानो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्क होने वाला है और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी स्पेशल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। और जो सेकंड सीन है वो है स्काइपिया का पार्टी वाला सीन, जहाँ पे लूफी रिजेंबल करता है सन गॉड निका को। यप, वही निका जिसके बारे में लूफी बात कर रहा था मांगा के लास्ट पैनल में। और जो तीसरा सीन है वह इतना इम्पॉर्टेंट है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साबरडी आर्क में जब सब लोग आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे, उस वक्त रॉबिन ये नोटिस करती है कि उस बड़े ट्री से कुछ अजीब सा सब्सटेंस निकल रहा है जो कि ऊपर जाकर बबल में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जब वो उस सब्सटेंस को छूती है तो वो थोड़ा स्टिकी टाइप होता है जिसको वो उसॉप के कपड़ों पर रगड़ डालती है। और उसी वक्त हमारा ये जो स्टारफिश होता है वह कहता है कि यह यहाँ के ट्रीज का एक सीक्रेट स्पेशल इंग्रेडिएंट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल रेजिन है। हाँ सही सुना, रेजिन। कैन यू इमेजिन कि एक फनी मोमेंट वन पीस का इतना इम्पॉर्टेंट हो सकता था। खैर यहाँ पे मेरा सबूत अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक बार ओडा सेंसे से SBS में ये पूछा गया था कि क्या लूफी का जो रबर है वह एक नेचुरल रबर है या फिर एक आर्टिफिशियल रबर है, और इसके जवाब में ओडा सेंसे ने कहा था कि वह एक स्टूपिड रबर है, जिसमें से जो स्टूपिड वर्ड था वो बीच से काटा गया था। शुरुआत में यह एक्चुअली एक जोक की तरह लग रहा था, पर अब यह समझ में आता है कि यह कितना इम्पॉर्टेंट था। इसका लिटरली यह मतलब है कि लूफी का डेविल फ्रूट ना ही एक नेचुरल रबर है और ना ही आर्टिफिशियल रबर है, बल्कि वह कुछ और ही है जो कि रबर जैसा है। सो मोस्ट पॉसिबली लूफी का डेविल फ्रूट जूसी जूसी नोमी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि इस डेविल फ्रूट का पिछला यूज़र इसको अवेकन करके यूज़ किया था साबड़ी में ताकि वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। लेकिन इसका जॉय बॉय से क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर इस तरह देखा जाए तो हो सकता है कि जॉय बॉय का ही ये पावर हो और उसको ही लूफी अवेकन किया हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अगर तुम पिछले चैप्टर्स को देखो तो काइडो खुद को जॉय बॉय मानता है, और इसके लिए वो क्या करता था इस पावर को अवेकन करने के लिए, वो बेसिकली वो मरने का ट्राई करता था। और यह चीज़ एक्चुअली में सेंस बनाती है क्योंकि लूफी अभी क्या है, यप ही इज डेड। वेल इट्स एक्चुअली मेक सेंस कि क्यों काइडो मरना चाहता है, बट मेरे ख्याल से इस पावर अप के बाद भी लूफी काइडो को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हर एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसा ही होता है। भले ही काइडो बहुत बुरी तरह पिटने वाला है अभी, लेकिन उसके बाद लूफी, क्योंकि वह इस फॉर्म को पहली बार यूज़ कर रहा है, तो वो वापस कुछ देर बाद थक जाएगा और अपने बेस फॉर्म में आ जाएगा और एक बार फिर से वह हार जाएगा, एंड फाइनली फिर वो दोबारा खड़ा होगा और काइडो को हराएगा। हर आर्क में ऐसा ही होते आ रहा है और ऐसा इस बार भी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यह थोड़ा एपिकनेस देगा इस वानो आर्क को। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लूफी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बनने वाला है, क्योंकि उसने अब तीनों टाइप्स के हाकी को मास्टर कर लिया है, एंड द थिंग इज़ कि अब वह उसके पास एक स्पेशल पावर भी है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह इस पावर को हर बार यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको ये चीज़ भी मास्टर करनी पड़ेगी। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम लोग गौर कर रहे हो तो यार मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि मैं रात के 12 बजे से रिकॉर्ड कर रहा था और अभी बज रहा है 4:14, यानी सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं काफ़ी थक गया हूँ। एक बार वीडियो शुरुआत में देखो और एंड में देखो यार। और यप, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हो। अगर वीडियो में कुछ खास दिख गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट।